अब ये जानिए, साबिक वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में घपले और किकबैक्स का मामला। नैब ने रिपोर्ट तैयार कर ली जिसकी कॉपी समा का मौसूल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गुजरात के लिए 116 स्कीमें मंजूर कराई। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, जो है वो नैब की जानब से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें ये कहा गया है कि परवेज इलाही ने बतौर वजीर अला खास मकासद के लिए शरीक मुलजमान से मिलकर गुजरात के लिए 116 से जायद स्कीमें जो है वो मंजूर करवाई। परवेज इलाही ने बतौर वजीर अला अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि परवेज इलाही ने असर रसूख इस्तेमाल करके स्कीमों के ठेके मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि परवेज इलाही ने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके देकर अपने फ्रंटमैनों के जरिए रिश्वत और किकबैक्स रिसीव किए हैं। इसके अलावा ये भी इंकशाफ किया गया है कि परवेज इलाही ने गुजरात में गैर जरूरी तौर पर दर्जनों स्कीमें जो हैं वो शुरू करवाई और स्कीमों के एडवांस फंड्स भी जारी किए गए जो कि परवेज इलाही की बदनिश्ती इसमें शामिल है। परवेज इलाही करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए हैं और ये नैब की रिपोर्ट आज लाहौर की एहतसाब अदालत में जमा होगी। जी बहुत शुक्रिया अरशद, आप में आगाह कर रहे थे।